कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। 7 साल के ऊंचाई पर क्रूड के भाव नजर आ रहे हैं। ब्रेंट पर भाव $86 के पार निकला है, जबकि WTI पर भी क्रूड का भाव $84 के करीब कारोबार कर रहा है। MCX पर भी भाव 6250 के ऊपर निकला है। इराक के तेल मंत्री के बयान के बाद क्रूड की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। इराक के तेल मंत्री ने कहा है कि ब्रेंट क्रूड $100 के पार हो सकता है। वहीं ओपेक ने कहा है कि उत्पादन बढ़ाने पर अभी इनका कोई विचार नहीं है। सऊदी अरब की 6 लाख बैरल प्रतिदिन तक मांग जा सकती है और ठंड बढ़ने पर क्रूड की मांग में भी इजाफा हो सकता है। वहीं अमेरिका में पेट्रोल की सप्लाई 3 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रही है। US क्रूड इन्वेंट्री 4 हफ्तों में पहली बार गिरा है। EIA ने कहा है कि अक्टूबर में US क्रूड इन्वेंट्री 4,31,000 बैरल गिरी है, जबकि अक्टूबर में US क्रूड इन्वेंट्री 426.5 मिलियन बैरल हुई है। वहीं अमेरिका में पेट्रोल का रिजर्व नवंबर 2019 के बाद सबसे कम रहा है। जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होती रहेगी, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर वहाँ कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर भारत में पेट्रोलियम उत्पादों पर भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।